नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा ही सुना होगा आपने। लेकिन आपको बता दूं, बॉलीवुड की डिक्शनरी में सब्र का फल मीठा नहीं बल्कि शाहरुख खान होता है। जी हां, सही सुना आपने। पूरे 4 साल के बाद फिर किंग खान बड़े पर्दे पर फिल्म पठान के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म पठान कितने विवादों से घिरा हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। पहले तो जैसे ही फिल्म का बेशर्म रंग गाना रिलीज हुआ वैसे ही बवाल मचना शुरू हो गया। हालांकि किंग खान की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि इन छोटे छोटे विवादों से उन पर कोई असर देखने को नहीं मिला। इसके बाद जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा बॉयकॉट की तरफ से शुरू हो गया। वैसे कमाल की बात तो ये है कि फिल्म का ट्रेलर जितना गुड न्यूज लेकर नहीं आया उससे ज्यादा बैड न्यूज साबित हुआ है। अब आप सोचेंगे वो कैसे, तो आपको बता दूं, जितने भी बॉयकॉट वाले सो कॉल्ड योद्धा है वो फिल्म पठान के पिटने का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में ट्रेलर रिलीज होते ही पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, ट्रेलर में दीपिका पादुकोण का स्टंट, जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान का झलक देख सभी फैंस का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया है और इतना ज्यादा बढ़ा कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर को दिखाया गया। ऐसे में आपके लिए एक जबरदस्त अपडेट लेकर आए हैं जिसे सुनकर किंग खान के फैंस झूमना शुरू कर देंगे और साथ में ये गाना भी गुनगुनाएंगे, झूमे जो पठान मेरी जान। वेल, आपको बता दूं, जहां थिएटर में पठान के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, सड़कों पर उतरकर फिल्म को रिलीज न होने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं पठान फिल्म के सपोर्ट में जो खबर सामने आई है उसने सभी बॉयकॉट गैंग के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। खबर ये है कि शाहरुख के एक फैन क्लब ने मुंबई के गैट गैलेक्सी थिएटर में फर्स्ट डे वॉच शो की सभी टिकट्स बुक कर ली है। वैसे मैं आपको इस थिएटर के बारे में बता दूं, इस थिएटर में कोई भी फिल्म हो उसका पहला शो 12 बजे का ही होता है, लेकिन पठान फिल्म के लिए इस थिएटर ने अपनी सारी पॉलिसी ही चेंज कर दी। फिल्म पठान का पहला शो 12 बजे नहीं बल्कि उससे पहले दिखाई जाएगी। टाइमिंग क्या होगा इसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन किंग खान के फैन ने तो पहला डे पहला शो बुक कर ही लिया है और पूरा थिएटर भी बुक कर लिया है। वेल, अब सबकी नजरें पठान फिल्म के ऊपर टिक गई हैं। अब देखना ये होगा कि पठान फिल्म अपने पहले दिन कितनी कमाई करती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।